अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अयाज़ ब्रोही और अपने YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फिरोज़ खान और अली से फातिमा के केस के मुतालिक बात करेंगे। फिरोज़ खान की जानिब से अदालत में जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी कि कस्टडी जो बच्चों की है वो उनके हवाले की जाए। समर वेकेशंस जो हैं वो उनके साथ गुजारना चाहते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो उनके हवाले किए जाए। दो ढाई महीने से उनकी वैसे भी उनसे मुलाकात नहीं हुई और नहीं करवाई जा रही, उनका ये मौक़िफ़ था। तो अदालत ने इस पे इस दरख्वास्त पर फैसला जो है वो कल महफूज किया था और उसके बाद आज जो है वो अदालत ने फैसला जारी कर दिया है और फिरोज़ खान की इसमें फतह भी हुई है। फिरोज़ खान के हवाले जो है वो बच्चे करने का हुक्म दिया गया है। 6 दिन के लिए फिरोज़ खान के हवाले जो है वो सुल्तान को किया जाए, इस अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है और कहा है कि जो सुल्तान है वो 6 दिन के लिए, यानी दिन और रात जो है वो फिरोज़ खान के साथ ही रहेंगे, जबकि उनकी जो छोटी बेटी है उनकी कस्टडी जो है वो भी उनके हवाले की जाएगी, लेकिन उनकी कस्टडी सिर्फ जो है वो 2 दिन उनके हवाले की जाएगी और वो भी सुबह 12 बजे से शाम 6 बजे तक, क्योंकि अदालत ने जो हुक्मनामे में लिखा है कि वो छोटी है, 15 माह की है और माँ का दूध पीती है, इस वजह से जो है बच्चे की जो दिन रात की कस्टडी है छोटी बच्ची है, इस वजह से उनकी नहीं दी जा सकती, लेकिन सुल्तान 6 दिन के लिए अपने वालिद यानी कि फिरोज़ खान के साथ रहेगा और वो कल से जो है स्टार्ट होगा और कल से कस्टडी जो है वो फिरोज़ खान के हवाले की जाएगी। और अदालत ने लिखा है कि नाजिर जो हैं वो अपनी मौजूदगी में बच्चों की कस्टडी जो है वो अलीजे से लेकर फिरोज़ खान के हवाले करेगा। फिरोज़ खान को 2000 रुपये फ़ीस जो है वो भी नाजिर को अदा करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें अदालत ने फिरोज़ खान से श्योरिटी भी ली है। 6 लाख की जो है वो श्योरिटी फिरोज़ खान को अदालत में जमा करानी पड़ेगी और उसके अलावा अदालत ने फिरोज़ खान का जो पासपोर्ट है और उनकी जो ओरिजिनल NIC है वो भी अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया गया है। तो इस पूरे मामले में ये है कि अदालत ने अब हुक्म दिया है कि फिरोज़ खान की को जो है उनकी बच्चों की कस्टडी उनको दी जाए। तो अब देखते हैं कि कल क्या हुआ है, क्योंकि जब विंटर वेकेशन थी तब भी फिरोज़ खान ने दरख्वास्त दायर की थी और उनकी दरख्वास्त जो है वो अलग हो गई थी। 5 दिन की कस्टडी जो है सुल्तान की वो अदालत ने फिरोज़ खान के हवाले की थी, लेकिन उस आर्डर को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और अदालत ने उस आर्डर को मॉडिफाई कर दिया था और दिन के औकात में फिरोज़ खान को बच्चा जो है हवाले करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिरोज़ खान ने कस्टडी नहीं ली। और इसी जो बात है, ये जो आर्डर है सिंध हाई कोर्ट का, इसका भी कल समाअत के दौरान जिक्र हुआ और अलीज़े के वकील ने ये कहा कि लास्ट टाइम में भी अदालत ने आर्डर किया था लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों कस्टडी जो है वो बच्चे की नहीं ली थी। तो कल एक मज़े वाली सूरत हाल पैदा हुई जब फिरोज़ खान ने 1 महीने की कस्टडी मांगी थी कि 1 महीने के लिए जो समर वेकेशंस हैं इसकी मद में जो है बच्चे मेरे हवाले किए जाएं। तो अलीज़े के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 2-2.5 महीने फिरोज़ खान गायब थे, ये मैं नहीं कह रहा, अलीज़े के वकील ने यानी कि बैरिस्टर कायम शाह ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया था जज के सामने कि फिरोज़ खान 2-2.5 महीने से गायब थे और जो समर वेकेशंस हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, 10-12 दिन बाकी जाके समर वेकेशंस में बचे हैं और अब इनको ख्याल आया है और ये जो है अब 1 महीने की कस्टडी मांग रहे हैं और 31 अगस्त तक जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन यानी कि सिंध गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक 31 अगस्त तक जो है वो समर वेकेशंस रहेंगी और जो 1 सितंबर होगा उस पर स्कूल्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनको 1 महीने की कस्टडी कैसे अलाउ की जा सकती है, क्यों इनको पहले जो है ख्याल नहीं आया समर वेकेशंस के लिए, तो इनको पहले एप्लीकेशन देनी चाहिए थी ताकि बच्चे जो हैं वो उनके साथ रहें, क्योंकि उनका अदालत में यही मौक़िफ़ था कि 2 महीने होते हैं छुट्टियों के तो बाप का राइट होता है, अगर पहले ही आ जाते तो 1 महीने की कस्टडी जो है वो उनको मिल जाती, लेकिन अब जो है स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 5-6 दिन पहले ही बच्चे को जो है उसका माइंड बनाना पड़ता है, उसकी तैयारी होती है, दूसरी जो स्कूल की चीज़ें हैं उनकी जो है वो ख़रीदारी वगैरह होती है तो उसका माइंड बनाना पड़ता है। तो अब जो है 1 महीने की कस्टडी तो नहीं ली जा सकती। अलीज़े के वकील ने ये कहा था कि सिर्फ जो है 5 दिन की कस्टडी जो है वो सुल्तान की अलाउ की जाए, उनकी जो बेटी है उस हवाले से उन्होंने कहा था कि दिन के औकात में किसी भी टाइम वो भले बच्ची से मिल लें,
लेकिन सुल्तान की कस्टडी अगर आप अदालत आर्डर करती है तो हम उनके हवाले करेंगे, लेकिन उनका यही एतराज़ था कि रात में बच्चा जो है उनके हवाले ना किया जाए, पर जो है अदालत ने आर्डर कर दिया है 6 दिन का। फिरोज़ खान ने 1 माह के लिए बच्चे मांगे, लेकिन अदालत ने जो है वो 6 दिन के लिए उनकी दरख्वास्त मंजूर की और उनको 6 दिन के लिए बच्चा हवाले करने का हुक्म दिया। और अलीज़ा ने कहा था कि सिर्फ जो है वो 5 दिन के लिए बच्चा जो है वो इनके हवाले किया जाए। तो अब अदालत ने तो आर्डर कर दिया है। जब समाअत हो रही थी उसके दौरान जो दलाइल सामने आए उस पर अदालत ने कहा कि फिरोज़ खान कहाँ है, तो फिरोज़ खान के वकील ने कहा कि फिरोज़ खान यहीं पर मौजूद थे, वो 1 बजे आ गए थे, लेकिन अलीज़े के वकील जो हैं वो नहीं थे, इसलिए अदालत ने फिर 2 बजे का हमें टाइम दिया, तो अभी वो अदालत से चले गए हैं। तो उस टाइम पे 2 का टाइम था, तो अदालत ने कहा कि हमने 2 बजे का कहा था, तो अभी तो मैंने उनको देखा था, जज साहब की ये वर्डिंग थी कि अभी मैंने फिरोज़ खान को देखा था, तो अभी कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि 1 बजे से वो बैठे हुए थे और आपने टाइम किया 2 बजे का, तो इसलिए वो यहाँ से चले गए हैं। अदालत ने कहा कि आपको कन्फर्म है कि 1 बजे फिरोज़ खान अदालत पहुँच गए थे, हम CCTV निकलवा लेंगे, 1 बजे नहीं हुए तो फिर इतने पंक्चुअल टाइम का पता है मुझे कौन कौन होता है कौन कौन नहीं होता, ये सारा तस्करा जो है वो अदालत में हुआ। और पासपोर्ट की जब बात आई, अलीज़े के वकील ने कहा कि हमें डर है कि फिरोज़ खान बच्चों को बाहर लेकर रवाना ना हो जाए, तो इस पर अदालत ने कहा कि एक केस जो है वो यहाँ पे हुआ था और एक कस्टडी हमने यहाँ पे हवाले की, उसकी भी दरख्वास्त थी, लेकिन वो जो है बच्चों को लेकर अफ्रीका जो है वो भाग गया है। अब हमने तो आर्डर कर दिए हैं, उस मामले को भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फेक जो है वो पासपोर्ट जमा कराया गया, उसके पास दूसरा पासपोर्ट भी था, तो वो बच्चों को लेकर रवाना हो गया, कि फिरोज़ खान के पास दूसरा कोई पासपोर्ट तो नहीं है। तो अदालत ने एफिडेविट लिया है फिरोज़ खान से, उनका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो भी अपनी तवील में लेने रखने का कहा गया है। अब देखते हैं कल क्या होता है, कल कस्टडी जो है वो फिरोज़ खान के हवाले होनी है और बाकी जो श्योरिटी वगैरह है, जो पासपोर्ट वगैरह है, वो आज जो है जमा करवाने थे उनको, और हमारे ज़राए ने ये कहा है कि उन्होंने जो है श्योरिटी वगैरह आज जमा करवा दी है, कल जो है वो कस्टडी लेने के लिए जाएंगे, नाज़िर के साथ जाएंगे। तो मज़ीद जो इस केस के मुतालिक अपडेट होगी वो आप भी आपको करते रहेंगे। तब तक के लिए